आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नीरव मोदी पर 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। विजय माल्या पर 17 बैंकों को 9,000 करोड़ का चूना लगाने का इल्जाम। लेकिन अगर आपसे अब कोई पूछे कि देश में सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड किसने किया है, तो इसका जवाब ABG शिपयार्ड दीजिएगा, जिसने विजय माल्या और नीरव मोदी को पछाड़ते हुए देश का अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला किया है। इस कंपनी ने करीब 23,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया है, जो माल्या और मोदी के घोटालों को एक साथ जोड़ने पर भी ज्यादा है। देश के सबसे बड़े घोटाले में CBI ने जांच तेज कर दी है और अब CBI को आरोपियों की तलाश है। CBI ने ABG शिपयार्ड के चेयरमैन और MD ऋषि कमलेश अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संथम मुथस्वामी, डायरेक्टर अश्विन कुमार, SK अग्रवाल, रवि विमल नेवतिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। इस घोटाले पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। ABG शिपयार्ड नाम की एक कंपनी जहाज बनाने और उसके मरम्मत के काम से जुड़ी है, जो बहुत आसानी से 28 बैंकों को चूना लगाने में कामयाब हो गई है। ABG शिपयार्ड ने अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 के बीच अलग अलग 28 बैंकों से कारोबार के नाम पर 22,842 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। आरोप है कि ABG शिपयार्ड ने कारोबार के नाम पर लिए इस लोन से संपत्ति बनाई और दूसरे काम में इस्तेमाल किया। 8 नवंबर 2019 को SBI ने CBI में पहली बार शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद CBI ने 7 फरवरी 2022 को इस मामले में FIR दर्ज की है। ABG शिपयार्ड लिमिटेड पर जिन बैंकों से धोखाधड़ी का आरोप है, उसमें सरकारी बैंक से लेकर देश के बड़े प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं। ABG शिपयार्ड लिमिटेड ने सबसे ज्यादा चूना ICICI बैंक को लगाया है, जिसके 7,089 करोड़ रुपए बकाया है। इसी तरह ITBI बैंक का 3,634 करोड़ रुपए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2,925 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,614 करोड़, PNB का 1,244 करोड़ और इंडियन ओवरसीज का 1,228 करोड़ रुपए इस कंपनी पर बकाया है। LIC के 136 करोड़ रुपए और 22 दूसरे बैंकों का करीब 4,972 करोड़ रुपए पर बट्टे खाते में जाने की तलवार लटक रही है। मोदी काल में अब तक 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हो चुके हैं। 75 सालों में जनता के पैसे की ऐसी धांधली कभी नहीं हुई। ये वही बैंक है जिनके अफसर ईमानदार मिडिल क्लास को लोन देते वक्त तो पूरी सतर्कता बरतते हैं, लेकिन ABG शिपयार्ड जैसी कंपनियों को कर्ज बांटते वक्त सारी एहतियात भूल जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि चाहे नीरव मोदी हो या फिर विजय माल्या और अब ABG शिपयार्ड जैसी कंपनी, बैंकों को चूना लगाने वालों का सिर्फ चेहरा बदलता है, लेकिन तरीका वही रहता है।